महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अहिंसा के मार्ग में चलकर शांतिपूर्वक अंग्रेजों से देश को हासिल करने का नारा उन्होंने ही लोगों को दिया। शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। उनके छेड़े कई आंदोलनों ने पूरे देश को एक होकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महात्मा गांधी की जिंदगी में शुक्रवार का दिन बहुत अहम रखता था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और ये दिन था शुक्रवार। हमारे देश को जिस दिन आज़ादी मिली वो दिन भी था शुक्रवार। और जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई यानी 30 जनवरी 1948, उस दिन भी था शुक्रवार। गांधी जी का बचपन एक सामान्य बच्चे की ही तरह था। महात्मा गांधी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, बल्कि वे एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे। समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी हासिल की। यही नहीं, गांधी जी ने अपने जीवन के एक समय में नास्तिकवाद, छोटी मोटी चोरियां, धूम्रपान को भी अपनाया, लेकिन इसे नादानी मानते हुए उन्होंने खुद से इन गलतियों को कभी न दोहराने का प्रण भी लिया। महात्मा गांधी ने लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने लंदन से ही की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई उच्च न्यायालय में हुई पहली बहस में ही वो असफल हो गए थे और यहाँ अल्पकालिक शिक्षक के पद के लिए भी उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए कुछ समय तक उन्होंने अर्जी लिखने जैसे छोटे मोटे कामों से अपनी रोजी रोटी चलाई। अपने जीवन में कई बार उन्हें अनपेक्षित अपमान के दौर से भी गुजरना पड़ा। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बनने का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। साल 1893 में वो गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की जिंदगी ही बदल गई। जब गांधी जी 23 साल के थे तो वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और आगे के 21 साल उन्होंने वहीं बिताए। गांधी जी ने वहां के भारतीय प्रवासियों के अधिकारों और ब्रिटिश शासकों की रंग भेद नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे गांधी वहां के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें मसीहा मानने लगे और गांधी जी भी लोगों के हक की आवाज लगातार उठाते रहे। 44 साल की उम्र में गांधी जी ने देश लौटने का फैसला किया। यहाँ उनका स्वागत कई कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया। भारत आने के बाद गांधी ने मई 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस देश को आजाद कराना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने देश के अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और बेहतर तरीके से देश की स्थिति को जानने की कोशिश की। बिहार के चंपारण महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचकर खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किए जाने वाले किसानों के समर्थन में उन्होंने सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी आंदोलन छेड़ा, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, हड़तालें हुई, लेकिन समय के साथ इस आंदोलन ने बड़ी शक्ल ली, जिससे अंग्रेजों पर लगातार दबाव बढ़ता गया और आखिरकार वो देश छोड़ने पर मजबूर हो ही गए। अमर उजाला.com